हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में 100 घंटे की कंटिन्यू प्रेयर चल रही है, जिसमें परमेश्वर ने स्वर्गीय दर्शनों से लोगों को भरा और काफी समय तक लोग हेवन में रहे और स्वर्गीय चीजों को अनुभव किया। और जब तीसरा दिन पूरा हुआ तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। आप अगले लेवल पे आ चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं बोल रहा हूँ आत्मा में आप बढ़ोतरी को देखोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। स्वर्ग खुला, प्रभु का सिंहासन लगा हुआ, प्रभु कह रहा है कि यही है वो असली लोग जो अंत की दौड़ को पूरा करेंगे। मैं इनको खाली कर चुका हूँ, अब मैं इनके अंदर भरूंगा। ये विश्वासियों की रहेंगे जान देने तक, यही असली है चुने हुए कलीसिया के, अंत तक जो स्थिर कहीं खड़े रहेंगे। प्रभु करने वाले तो बहुत हैं, पर ये चुने हुए हैं ये लोग हैं। जब प्रेयर चल रही थी तो उस टाइम प्रेयर में मैंने परमेश्वर का फ्लो देखा और परमेश्वर ने मुझे कुछ विजन दिखाया कि एक सोने का संदूक मैंने देखा कि दूत ना बहुत सारे लोगों को नरक में डाल रहे थे धरती के, और वहाँ कीड़े काट रहे थे और सांप थे। और फिर मैंने मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने कहा ना कि सुसमाचार सुनाने को सबको, समाचार सबको फैलाने का परमेश्वर का, ताकि लोग बचे। प्रभु ने हमें दिखाया कि सचमुच परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है, और प्रभु कह रहा है अपने मनों को तैयार करो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते तो हैं वो प्रभु के पास है, वो आते तो हैं प्रभु के पास, लेकिन उनके जीवन वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु कहता है अपने जीवनों को वचन के अनुसार जियो। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। ये जो प्रभु हमारी तैयारी करवा रहा है तो ये अद्भुत है, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। स्वर्ग में तैयारियाँ हो चुकी हैं, और हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप भी प्रभु की हजूरी में, प्रेयर में, संगति में बढ़ते जाएं। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम देखा इतना स्वर्ग में कि हम लोग यीशु जो जा रहे थे आगे, उनके पीछे बहुत सारे भेड़े जा रहे थे। हालेलुया, इतनी सारे भेड़ जा रहे थे और पीछे पीछे जा रही थी, और आराधना भी आना कितनी खुशी आ रही थी। मैंने एक क्रूस देखा और जीसस लिखा हुआ देखा, और जीसस में और मैंने देखा क्रूस में दोनों में आग जल रही थी, पूरी फायर जल रही थी। और मैंने देखा, मैंने परमेश्वर को देखा, और मैंने परमेश्वर को मतलब हंसते हुए देखा बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा कि इतना प्रकाश एकदम से, मुझे ऐसा लगा कि मैं ना बस अंधी हो जाऊँगी, मतलब इतना प्रकाश मैं देख नहीं पा रही थी उस चीज़ को। और फिर मैंने देखा कि एक ना मतलब गोल्डन कलर का मैंने एक दरवाज़ा देखा, और वो एकदम से खुल गया। और जब मैंने देखा तो एकदम से फायर के द्वारा वो खुला, और मैंने देखा कि मतलब पूरे कमरे में ना इतनी ज़्यादा रोशनी थी ना, वो गोल्डन कलर की इतनी ज़्यादा, मतलब मैं देख नहीं पा रही थी उस चीज़ को। और फिर मैंने एक पहाड़ देखा, बहुत बड़ा पहाड़ देखा मैंने, और मैंने पीछे देखा कि बहुत ज़्यादा गोल्डन मतलब प्रकाश है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने उसके बाद देखा कि जीजस उस पहाड़ के ना ऊपर खड़े हैं,